Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in my previous video, I have discussed with you human rights education and the methods and techniques of human rights education. And today, I am going to discuss rights of child from international perspective. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for various purposes to you. In general, as well as for your examinations purpose. Okay, so human rights education हमने पढ़ लिया है, मानवाधिकार की शिक्षा, मानवाधिकारों की शिक्षा क्या है, क्या क्या उसके लिए संधियां हुई, कब UDHR जो आया, Universal Declaration of Human Rights, उसने क्या कहा, वहीं से सारी बातें शुरू होती हैं, और कैसे उसको पढ़ाना है, नॉर्मल चॉक एंड टॉक मेथड से नहीं पढ़ाना है, क्या है उसके लिए, आपको इफेक्शन इफेक्टिव मोड में चेंज करना है, सिर्फ कॉग्निशन में चेंज करने से काम नहीं चलेगा. और फिर बात आती है राइट्स ऑफ द चाइल्ड कि बालकों के अधिकार के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए क्या बातें की गई हैं. तो आपके कोर्स में दो तरीके से हमको इसको पढ़ना है, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इसका क्या है और इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, नेशनल पर्सपेक्टिव एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं जो इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट राइट्स ऑफ चाइल्ड के लिए है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, जिसको CRC भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC. तो जो शुरुआत हुई है इसकी वो एट द इंटरनेशनल लेवल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑन 20th November 1959. आप ये मान सकते हैं कि जब से UDHR की स्थापना हुई, घोषणा हुई, तब से राइट्स ऑफ द चाइल्ड पर बात हो रही थी, और बीच में जेनेवा डिक्लेरेशन भी आया था. उसके बाद 1959 में ये आता है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, जो कि जो जेनेवा डिक्लेरेशन था जिसमें कि 5 प्रिंसिपल्स की बात हुई थी, उसी का एक्सपेंशन था और उसको 10 प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया गया था 1959 के डिक्लेरेशन में. तो ये कौन कौन से 10 प्रिंसिपल्स थे, एवरी चाइल्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि आपको सारे बालकों को लेके चलना है, उनका आपको फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली और सोशली डेवलपमेंट करना है, यानी हर बच्चे का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकास. ये मैं बहुत आपको ब्रीफ दे रही हूँ बिकॉज जो हमको 1989 का मेन कन्वेंशन पढ़ना है उसमें 54 आर्टिकल है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा. फिर हर बच्चे का एक नेम हो, उसकी एक राष्ट्रीयता हो, उसको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिले, अगर वो किसी भी प्रकार की हैंडीकैपनेस है उसके पास तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन और केयर उसको मिलनी चाहिए, उसको उसको समझ, आप समझिए, उसको प्यार मिले, वो कोई भी बालक हो उसको शिक्षा मिले जो कि फ्री और कंपल्सरी हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उसमें बालक पहला वो होना चाहिए एंटिटी जिसको कि बात हो कि आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको रिलीफ देंगे. फिर हर प्रकार की निग्लेक्ट, क्रुएल्टी और एक्सप्लॉयटेशन से उसको बचाना है, मतलब उसको आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उस पर कोई क्रूरता नहीं की जाएगी, उसका शोषण नहीं किया जाएगा, और शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्विसेज विच मे फोस्टर रेशियल, रिलीजियस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और कोई भी प्रकार का विभेद, वो जातीय हो, धार्मिक हो, किसी भी तरीके के, उस सब सर्विसेज से उसको बचाना है. ये डिक्लेरेशन 1959 में आया था. उसके बाद जो मेन डिक्लेरेशन जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, जो जिसके बाद बहुत सारे राष्ट्रों ने, ऑलमोस्ट सभी राष्ट्रों ने उस पर साइन किया, सिग्नेचर किया, उसके संसंधि की और अपने अपने देशों में उसके लिए नियम कानून बनाए, वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989. ओके, तो इन 1989 वर्ल्ड लीडर्स मेड अ हिस्टोरिक कमिटमेंट टू द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन बाय अडॉप्टिंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. 1989 में विश्व के महान नेताओं ने एक हिस्टोरिक कमिटमेंट किया, एक ऐतिहासिक ये कमिटमेंट लिया कि हम दुनिया के सभी बच्चों के लिए ये करेंगे कि उनके अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे. एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन को लेकर, ये चाइल्डहुड को लेकर एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. इट बिकेम द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी इन हिस्ट्री एंड हैज हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म चिल्ड्रंस लाइफ्स अराउंड द वर्ल्ड. ये एक तरीके से मोस्ट वाइडली रेटिफाइड, यानी कि ये मानवाधिकारों की संधि की इतिहास में सबसे ज्यादा ये जिस पर बात हुई, जिस पर सिग्नेचर हुए, वो ये वो संधि है, ये वो घोषणा है, उद्घोषणा है, और इसने दुनिया भर के बच्चों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प की है. इट वॉज अप्रूव्ड बाई द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन 20th November 1989. 20 नवंबर 1989 को ये अप्रूव कर दिया गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से, एंड द कन्वेंशन वॉज फॉर्मली ओपन्ड फॉर
और रेटिफिकेशन ऑन 26 जनवरी 1990 को ये फॉर्मली ओपन कर दिया गया कि इस पर संधि पे हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए हैं। इट हाउएवर हैज साइंड द कन्वेंशन थereby इंडिकेटिंग जनरल सपोर्ट फॉर इट्स प्रिंसिपल्स एंड एन इंटेंशन नॉट टू टेक एक्शंस दैट वुड एक्टिवली अंडरमाइन दोस प्रिंसिपल। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करते हैं उसका मतलब होता है कि आप जो उस पर लिखा हुआ है, जो उसके संशोधन है, जो उसके प्रारूप है, उससे सहमत है और आप अपने अपने देशों में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसकी हानि होती हो, बल्कि उसको फ्लरिश करने के लिए काम करेंगे। द सीआरसी इज द मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स एवर मेड। आज तक जितने भी बालकों के अधिकारों के लिए बात की गई उसमें ये सबसे कंप्लीट स्टेटमेंट है, मतलब कोई पॉइंट नहीं छूटा है भी आप देखेंगे इसको। और ये हमने आपसे बता दिया कि इट टेक्स द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द 1959 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि 1959 में जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड का डिक्लेरेशन आया था उसी के 10 प्रिंसिपल को लेते हुए इसने इसको एक्सपेंड करके 54 आर्टिकल बनाए हैं, ऑफ विच 41 रिलेट स्पेसिफिकली टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। जिसमें कि पहले 41 जो है वो बच्चे के आस्पेक्ट के मतलब हर आस्पेक्ट को कवर करता हुआ है, उसका कोई राइट छूटा नहीं है। और 42 से 54 तक जो है वो ये बताता है कि इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखना है, यानी 41 तक अनुच्छेद है और 42 से 54 जो अनुच्छेद है वो जो ऊपर 41 बातें की गई हैं उनके संरक्षण की बात है। तो इसका प्रीएम्बल क्या है, इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि इट रिकॉल्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस टू सर्टेन रेलेवेंट ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड प्रोक्लेमेशंस सच एज द यूडीएचआर। मतलब ये रिकॉल करता है, ये स्मरण करता है कि यूनाइटेड नेशन किन मूलभूत सिद्धांतों पर काम करता है और ये स्पेसिफिक प्रोविजन यानी कि ह्यूमन राइट ट्रीटीज और यूडीएचआर ने क्या क्या कहा है उन मूलभूत सिद्धांतों को रिकॉल करता है। रीअफर्म्स द फैक्ट दैट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, और ये इसको सुनिश्चित करता है, पुनः सुनिश्चित करता है इस बात को कि जो बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, मतलब कोई भी उनको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनको स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एंड इट प्लेसेस स्पेशल इम्फेसिस ऑन द प्राइमरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, और ये बहुत ज्यादा इम्फेसिस करता है, बल देता है कि जो प्राइमरी केयर और प्रोटेक्शन होना चाहिए वो परिवार से आना चाहिए। द नीड फॉर लीगल एंड अदर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द चाइल्ड कम्युनिटी, बालक जिस समुदाय का है उसके कल्चरल वैल्यूज की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड द वाइटल रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अचीविंग द रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिले ताकि बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम किया जा सके। ये आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 का ये प्रीएम्बल है। फिर ये देखिए, ये हैं आपके राइट्स जिसमें 42 से 54 तक, मतलब 43 से 54 एक्चुअली, हाउ द कन्वेंशन वर्क, कि कैसे ये काम करेगा, इस पर काम है। और बाकी पूरा ये 1 से लेकर 42 तक आपको बता रहा है कि क्या क्या है। अब ये चूंकि इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको तोड़ के मैं दिखा नहीं सकती थी, लेकिन अब आपको मैं आर्टिकल 1 से लेके 40-42 तक बताती हूँ, बहुत क्विकली बताऊंगी। आप इसको जितना याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिए, कुछ याद कर लीजिए जो आपको याद हो जा रहे हैं वो याद कर लीजिए, जो आपको आपके दिल के समीप है, आपको ज्यादा उनसे सरोकार है वो याद कर लीजिए, और अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो पूरा याद कर लीजिए। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है इनका, आर्टिकल 1, वो बताता है डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। सबसे पहले कि आप किसको बालक कहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो बालक है। चिल्ड्रन आर डिफाइंड एज ऑल पीपल अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। फिर दूसरा आर्टिकल इनका जो आर्टिकल नंबर 2 है, अच्छा चूंकि ये आर्टिकल है इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि आर्टिकल 2 में आर्टिकल 3 की बात लिख दें, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 5, नहीं, आप कम याद कीजिए पर सही याद कीजिए, और जो याद कीजिए वही जो लिखा है। फिर आर्टिकल 2 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यानी कि विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। ऑल राइट्स इन द कन्वेंशन अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन विदाउट एक्सेप्शन। देखिए ये 1959 वाले में भी था कि सभी बच्चे, कोई अपवाद नहीं, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। एंड द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, और ये जो राज्य है उसको ऑब्लिगेशन है, वो उस पर बाध्यता है कि वो हर बच्चे की सुरक्षा करेगा। फिर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ऑल एक्शंस कंसर्निंग द चाइल्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन हिज और हर बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि आपको ऐसे ही नहीं बालक के लिए कुछ कर देना, बल्कि जो उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम करना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसलेट द राइट्स ऑफ द कन्वेंशन इनटू रियलिटी, यानी कि सिर्फ हमको कागज पर लिख नहीं देना है बल्कि हमको ये भी देखना है कि ये अधिकार इंप्लीमेंट किए जा सके, और ये कौन करेगा, राज्य करेगा। फिर आर्टिकल 5 क्या है, पेरेंटल गाइडेंस एंड द चाइल्ड्स इवॉल्विंग कैपेसिटीज एज ही और शी ग्रोज,
यानी कि ये राज्य की जिम्मेदारी है टू रेस्पेक्ट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो अभिभावक है उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेस्पेक्ट करना राज्य की जिम्मेदारी है, ताकि बालक जो उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से बढ़ सके। फिर आर्टिकल 6 है सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी कि वो सर्वाइव कर सके, उसका बढ़िया डेवलपमेंट हो। आर्टिकल 7 है कि हर बच्चे का नाम हो, उसकी राष्ट्रीयता हो। आर्टिकल 8 है कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको संरक्षित रखा जाए उसके अस्तित्व को। आर्टिकल 9 है सेपरेशन ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स, द चाइल्ड हैज द राइट टू लिव विद हिज और हर पेरेंट्स अनलेस इट इज नॉट डीम्ड टू बी इन हिज और हर बेस्ट इंटरेस्ट, द चाइल्ड हैज द राइट टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद बोथ पेरेंट्स इफ सेपरेटेड फ्रॉम वन ऑफ। वो कह रहे हैं कि बालक जब तक मतलब अपने पिता, उसके पास ये राइट है कि वो अपने पिता, अपने माता पिता के साथ में, और अगर वो लोग अलग हो गए हैं तो भी उसके पास राइट है कि वो कांटेक्ट कर सकता है जिससे भी, जब भी उसका मन करे। मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप कांटेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिर फैमिली रीयूनिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू फॉस्टर एंड इनेबल फैमिली रीयूनिफिकेशन वेयर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लिव इन सेपरेट कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा और माता पिता अलग अलग देशों में रह रहे हैं तो उनके रीयूनिफिकेशन के लिए काम करना, ये भी एक मतलब इसके लिए भी राज्य की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल 10 में लिखा है। आर्टिकल 11 में लिखा है इलिसिट ट्रांसफर एंड नॉन रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एब्रॉड। ये कह रहे हैं कि द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू ट्राई टू प्रिवेंट एंड टू रेमेडी द इलिसिट ट्रांसफर एंड नॉन रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन एब्रॉड बाय ये पेरेंट और थर्ड पार्टी। यानी कि अगर बालक विदेश से है, नॉन रिटर्न नहीं लौट पा रहा है, तो उसके लिए वो काम करे। चाइल्ड्स ओपिनियन को ध्यान में रखा जाए, आर्टिकल 12 में लिखा है। उसको फ्रीडम हो ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, ये आर्टिकल 13 में लिखा है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ थॉट कंसाइंस एंड रिलीजन। उसके पास स्वतंत्रता हो कि वो विचार, जो चेतना है उसकी, जो धर्म है उसके हिसाब से वो मान सके, उसको करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि वो दूसरे लोगों से मिल सके, एसोसिएशन बना सके, जब तक कि वो दूसरे के राइट का उल्लंघन ना करे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आर्टिकल 17 है एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, यानी कि सही सूचना उस तक मिले, ये भी ये अनुच्छेद है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कह रहे हैं कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, मतलब गाली गलौज और नेग्लेक्शन से उसका बचाव किया जा सके, ये आर्टिकल 19 में लिखा है। आर्टिकल 20 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट फैमिलीज। कह रहे हैं कि अच्छा, द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन विदाउट फैमिलीज, जिनके परिवार नहीं है उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन किया जाए। एंड टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फैमिली केयर और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज मेड अवेलेबल टू देम, और ये इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उनको कोई एक एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फैमिली मिल जाए, है ना। टेकिंग इनटू अकाउंट द चाइल्ड्स कल्चरल बैकग्राउंड, और ये भी ध्यान रखें कि बच्चे का साहित्यिक, उसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड देखते हुए कोई फैमिली अगर अडॉप्ट करना चाहे तो उसके लिए। इसी के बाद देखिए आगे, अडॉप्शन इन कंट्रीज वेयर अडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड और अलाउड इट शैल ओनली बी कैरीड आउट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कह रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रों में अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो मान्य है, वहां पे ये देखा जाए कि जो अडॉप्ट करना चाह रहा है बच्चे का भी मन देखा जाए, ऑल नेसेसरी सेफगार्ड्स के संग बच्चे को उसको दिया जाए। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन अगर है, अगर मतलब बाहर से आया है, किसी देश से बच्चा है, शरणार्थी है, मतलब उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन हो, ये आर्टिकल 22 में लिखा है। अगर वो कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए और हमको क्या सुविधा प्रदान करनी है, उसको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्लेसमेंट इन केयर सेटिंग्स, अगर उसकी केयर के लिए हमको बार बार रिव्यू भी करना है जो हमने उसको सुविधा दी है, ये आर्टिकल 25 में लिखा है। कितने आर्टिकल है, 26 में है सोशल सिक्योरिटी, उसको सामाजिक सुरक्षा देनी है। आर्टिकल 27 में ग्रोइंग अप फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, उसको हमको गरीबी से उठाना है ऊपर। फिर आर्टिकल 28 में एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि एजुकेशन वाला पढ़ देते हैं, द चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, जो बालक है उसके पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। द स्टेट हैज अ ड्यूटी टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री, जो आपको पता है कितनी बार ये बात की गई कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना राज्य मतलब बालक का अधिकार है, ये इसमें भी कहा गया, ये आपको पता चल गया। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन कहा गया है, कैसा शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य, एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड एट डेवलपिंग द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड टैलेंट्स, इस तरीके की शिक्षा हो जो बालक के व्यक्तित्व और उसके चैलेंज को उभारे। फिर आर्टिकल 30 में लिखा है चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटीज और इंडिजिनस पीपल, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा है तो भी उसको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को एंजॉय कर सके। लेजर रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज, उसके पास ये अधिकार है कि वो आराम कर सके, वो मनोरंजन कर सके, ये सब है ना।
ये नहीं कि आप हमेशा उसको कहीं काम में नहीं लगा सकते हैं। चाइल्ड लेबर, देखिए सब एक से जुड़े, जैसे रिक्रिएशन की बात ही वैसे चाइल्ड लेबर की बात हो गई। जैसे ही अडॉप्शन उसका था कि आप किसी ऑल्टरनेटिव फैमिली दे सकते हैं, वैसे ही अडॉप्शन आ गया, सब जुड़ा है एक दूसरे से। तो चाइल्ड लेबर, द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एंगेजिंग इन वर्क दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उसे किसी भी काम से राज्य को बचाना है, चाइल्ड राज्य को राज्य को चाइल्ड को बचाना है इस तरीके के कामों से। फिर ड्रग एब्यूज, अगर उसको ड्रग एब्यूज से भी बचाना है, ये आर्टिकल 33 में लिखा है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, उसकी उसकी वो खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, इससे बचाना है। ट्रैफिकिंग से बचाना है, और भी जितने प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन है सबसे बचाना है, ये आर्टिकल 36 में लिखा है। टॉर्चर एंड डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, उसको उसकी स्वतंत्रता से मतलब मना नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वो कह रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें आपको ये इंश्योर करना होगा कि 15 वर्ष से छोटा कोई बालक उसमें भर्ती ना हो। रिहैबिलिटेटिव केयर, अगर कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिकवरी किसी को चाहिए, अगर वो किसी नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज, टॉर्चर का शिकार है, तो हमको उसका रिहैबिलिटेशन करना होगा। पुनर्वास केंद्र में डाले जाते हैं ना बच्चे इस तरीके के। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस मतलब वो जो बालक बाल अपराधी होते हैं उनको जो न्याय देने की प्रक्रिया होती है वो वयस्कों से अलग होती है, इसी की बात है यहाँ पे आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 में है कि रेस्पेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, इफ स्टैंडर्ड्स सेट इन द नेशनल लॉ ऑफ ए कंट्री व्हिच हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन और इन अदर एप्लीकेबल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स आर हायर देन दोज इन द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड व्हिच इज द हायर स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं कि अगर कोई देश ऐसा है जहां पे कन्वेंशन, ये जो सीआरसी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उससे भी कुछ उच्चतम स्टैंडर्ड की बात हो रही, तो आप ऊंचा वाला फॉलो करिए। मतलब किसी भी तरीके से बालक को कोई आप क्षति मत पहुंचाइए, कोई उसको नुकसान मत दीजिए, किसी चीज से वंचित मत करिए। और आर्टिकल 42 क्या है, द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू मेक द राइट्स कंटेन्ड इन द कन्वेंशन वाइडली नोन टू एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक, यानी राज्य की ये ऑब्लिगेशन है, उस पर बाध्यता है कि वो उसको कन्वेंशन में जितने राइट लिखे उन सबको उसको प्रदान करना है। और आर्टिकल 43 और आर्टिकल 44 में क्या कह रहे हैं, स्टेट्स विच रेटिफाई द कन्वेंशन मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन 2 ईयर्स आफ्टर रेटिफिकेशन एंड एवरी 5 ईयर्स थereafter। वो कह रहे हैं कि जितने राष्ट्र हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या काम अपने देश में कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट देनी होगी कि हमने ये 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 किया इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए, और हर 5 साल में भी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबमिट करनी होगी। और आर्टिकल 45 है कि इन ऑर्डर टू फोस्टर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड टू इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं जिससे कि आप इस कन्वेंशन को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, यूनेस्को, यूनिसेफ, सब इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे सब कोऑपरेशन से कर सकें। कई सारे NGOs भी इन्वॉल्व है इसमें। और आर्टिकल 46 से 54 तक है कि डिफाइन द कंडीशंस अंडर विच द कन्वेंशन कम्स इनटू फोर्स, यानी कि ये कहीं कहीं डिफर कर रहा है, कहीं कह रहा है 41 के बाद का, लेकिन आप ये वाला फॉलो कीजिए कि आर्टिकल 45 तक ये बात की गई है और 46 से 54 तक कि कैसे कन्वेंशन को आपको फोर्स में लाना है, मतलब कैसे आप उसको एक्शन में लाएंगे। तो मेनली आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपका आर्टिकल 40 तक ही है जो एक्चुअली राइट्स की बात है, फिर आर्टिकल 41 से दूसरी तरीके की बात है, और आर्टिकल 46 से 54 तक सिर्फ ये लिखा है कि आप इसको कैसे फोर्स में लाएंगे। तो इतना सारा है, आप जितना चाहे उतना याद कर लीजिए, जितना आपको याद हो जाए, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1959 में सबसे पहले आया, जेनेवा डिक्लेरेशन जो 5 थे उसको एक्सपेंड करके 10 बनाया गया, फिर 1989 में वो जो 10 थे उनको एक्सपेंड करके 54 बनाया गया। कम से कम कुछ याद कर लीजिए, जैसे राइट टू एजुकेशन वाला, एम्स ऑफ एजुकेशन वाला, उसके डेवलपमेंट का, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके की जितने याद हो जाए आपको, तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब ये एक कंप्लीट यू कैन से कि ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं गया। आप सोच लीजिए, देख लीजिए पूरा, एक से लेके 46, 42, 44 तक कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो बालक के जीवन से संबंधित है और इस संधि में, इस डिक्लेरेशन में उसकी बात नहीं है, इस कन्वेंशन में उसकी बात नहीं है, सारा एस्पेक्ट कवर किया गया है ताकि पूरे विश्व में जो बालक हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें। तो अब नेक्स्ट बार हम लोग ये बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में
क्या है कि हम बालकों के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप कह सकते हैं कि कमीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, कौन से लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है इसका, ये सारा कुछ। तो इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज स्पेशल रेफरेंस टू 1989 कन्वेंशन। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।